clap. अबे छोटू तू तो क्या बोलता है, फजर में भी नहीं आ रहा, असर में भी नहीं आ रहा, तू तो बस मगरिब में आ रहा खाने के लिए, बक बक खा लो, रोजे भी नहीं रख रहा। रख के तो देख एक रोजा, तेरे को सब पता लग। आज हम जो है रगटा मार्केट आए हैं, जिसको चोर मार्केट या फिर सामान का मार्केट भी कहा जाता है। हम जो है यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे आपको कि जो है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, और जो है ज़्यादा करके यहाँ पे मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल वगैरह की चीज़ें सब मिलती हैं। इंशाल्लाह मैं आपको सब एक्सप्लोर करूँगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है रिट्स व्लॉगिंग चैनल, RITZ रिट्स व्लॉगिंग चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट में बताएं कि आप अगली हैदराबाद में कौन सी ऐसी मार्केट देखना चाहते हैं जिसको मैं एक्सप्लोर करूं। प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़। देखिए रगड़ा मार्केट में आपको टायर्स, फोर व्हीलर के टायर्स वगैरह भी मिल जाते हैं। ये जो है रीज़नेबल रेट से मिल जाते हैं। उनके स्कूल के बैग्स वगैरह, स्कूल के बैग्स, कॉलेज के बैग्स, और जो है ये जैकेट्स। अभी बरसात का मौसम है तो अभी जैकेट्स आपको बहुत काम आएंगे। और ये जो है टी शर्ट्स वगैरह भी जो है यहाँ पर मिल जाती है। ये देखिए आपको ये भी मिल जाएगा यहाँ पर, प्लास्टिक के सामान और जीन्स टी शर्ट वगैरह भी यहाँ पर रिजनेबल रेट पर मिल जाती है। ये जीन्स वगैरह जो है मार्केट के रेट से जो है बहुत कम मिल जाती है। अम्ब्रेलास, और ये बरसात में पहनने के जो है आपको बरसात से बचाने के लिए जो है ये कॉस्ट्यूम्स, ये भी यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, और ये रीज़नेबल रेट से मिल जाते हैं। यहाँ पर रगटा मार्केट में मौजूद हैं हम। रगटा मार्केट में तकरीबन चीज़ें मिल जाती हैं। उतर रहे हैं, ये फलकनुमा से लिंगमपल्ली तक जाती है ट्रेन, और ये गाड़ी निकलने पर है। ये गाड़ी निकल रही है, आप लोग देख सकते हैं ये गाड़ी जा रही है। हाँ कुछ लेकर बताएंगे, ये गाड़ी चली गई और हम भी अपनी गाड़ी, हम मेट्रो से जाएंगे। इसके बाद एक मेट्रो स्टेशन है। देखिए हरियाली कितनी अच्छी दिख रही है, और उधर से बिल्डिंग्स भी जो है बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। ये बिल्डिंग्स है, हरियाली है, और ये ग्रीनरी जो है बहुत अच्छी नज़र आ रही है। ये पाँव जो है कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। क्या पुरानी बिल्डिंग्स भी है इसमें। Is it
बिल्डिंग बहुत बड़ी है, कमर्शियल बिल्डिंग है। धोबी जो है अपने कपड़े धो के डाल रहा है यहाँ पर, और ये धोबी घाट है, धोबी घाट है ये। और यहाँ से हमारी ट्रेन बहुत फास्ट चल रही है, नीचे ग्रीनरी है और इधर बादल धारा है। ये मस्जिद है, ये हम संजीविया भाव पहुँच चुके हैं। स्टेशन यह बाहर का नज़ारा आपको दिखेगा। सिंधिया पार्क की रोड जो है ये आपको नज़र आएगी बाहर से। देखिए स्टेशन ख़त्म होने पे है, ये स्टेशन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ये ग्राउंड बाहर का हिस्सा, ठीक है, संडे है, संडे के दिन लोग खेलने के लिए यहाँ पर आते हैं। सिकंदराबाद स्टेशन पहुंच गए हैं। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और हम सिकंदराबाद स्टेशन पहुंच गए हैं। बढ़ते हुए गाड़ी और बारिश के हल्के हल्की बूंदे भी हमें महसूस हो रही हैं। दूसरी ट्रेन भी खड़ी थी, ये दिल्ली जाने वाली ट्रेन है। अबे छोटू तू तो क्या बोलते, फजर में भी नहीं आ रहा, असर में भी नहीं आ रहा, तू तो बस मगरिब मारा खाने के लिए, बक बक खा लो, रोजे भी नहीं रख रहा। रख के तो देख एक रोजा, तेरे को सब पता लग।